अच्छा अब इससे पहले कि मैं दूसरे सेलिब्रिटी के कपड़ों की तरफ चलूं, तुम्हारे कपड़ों के कुछ कट्स मैंने दिखाने ऑन एयर यहाँ पे, और प्लीज तुम हमें बताओगी अगर हम इतने पतले दुबले थे और हमने ये कट्स बना लिए, बाद में हम क्या करेंगे इनका, ठीक है? ओके, पहली तस्वीर तुम्हें मेरे पास आना होगा ताकि मैं मॉनिटर देख के फिर बता सकूं। ओके, अच्छा पहला ये तुम्हारा जोड़ा आ रहा है, ये तो पतली दुबली कुछ मॉडल टाइप स्मार्ट लड़कियां होती है यार, शादी से पहले टॉय जैसे आपने बोला, दिस इज मोर लाइक अ फिश टेल की तरह है एंड वन पीस गाउन है। अगर आप देखें बीच में एक बॉडिस भी है, बॉडिस भी है, तो हम लोग ये दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। लाइक छोटी चोली है, लाइक अगर करना चाहें जैसे अच्छा। कोई हमारे पास इस तरह बॉडी टाइप आ जाए, उसको वन पीस नहीं, उसको टू पीस चाहिए, तो हम लोग पहनने में भी वन पीस जो है वो पहनने में भी तो मुश्किल होती होगी कि नहीं? नहीं नहीं, वो पीछे से जिप्स हैं, पीछे बटन्स हैं, एवरीथिंग वो हम सब इजी कर लेते हैं लोगों के लिए। अच्छा, तो ये फिश टेल है, इसके पीछे क्या है? पूरा फिश टेल है इसका। तो ये फिश टेल मुझे ये बताओ तबस्सुम, किसके लिए नो है? जो तुम्हारे पास दुल्हन आएगी और तुम कहोगी और उसको बहुत शौक होगा तबस्सुम मुझे ये आप बना दे, तो तुम उसको इंसाफ करके ना ईमानदारी से तुम कहोगी कि मैं आपको मशवरा दूंगी, आप प्लीज आप डेफिनेटली, मैं ये करती हूँ। इन्हीं कट्स को ही हम लोग उनके हिसाब से बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह है, नी की तरफ नैरो हो रहा है, तो नैरो नहीं करेंगे हम, उसको इस तरह ले जाएंगे। कौन सी लड़की को तुम ये बोलोगी वो क्या होगी? जो यहाँ से शी इज गोना बी मोर फुलर फ्रॉम हिप, हिप से ज्यादा, जैसे पियर शेप्ड है। अब चलो मैं आई तुम्हारे पास, मेरी पियर शेप बॉडी है, अब तुम मुझे क्या कहोगी? मैं आपको ये कहूंगी यू कैन डेफिनेटली टेक दैट, बट आपकी आधी हिप के बाद मैं उसको खोल दूंगी। अच्छा, आई विल नॉट एम्फसाइज द होल हिप, यहां तक रखोगी और जो हिप्स हैं उसे तुम खोल दूंगी ताकि वो मेरा ऐब आधी हिप के बाद मैं खोल दूंगी, ठीक है? तो उसके उससे ये होगा कि आपका पूरा हिप का जो ओवल साइज है वो आपका एम्फसाइज नहीं होगा। ऑफ कोर्स चलो तुम खड़ी हो, इसमें तो सब सूट हो जाए। ये लड़की आई है तुम्हारे पास, ये एग्जैक्टली शी इज परफेक्ट फॉर हर फॉर दिस काइंड, लेकिन इसकी हाइट भी है, फिर भी इसकी हाइट कम पहनेगी, हाइट छोटी, हील्स पहनेगी, डेफिनेटली आई टेल हर टू वेयर बिग प्लेटफॉर्म्स एंड स्टफ, या शी कैन कैरी दिस, ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट करो, देखो हर एज ग्रुप के लोग होते हैं ना जिनकी शादियां हो रही होती है, थोड़ी सी अगर मैं कहूँ उसे 32 की है कोई ब्राइट, वो आएगी तुम्हारे पास कि मुझे ये पहनना है, तो तुम उसको कहो मतलब लाइक ये वाला कट हर उम्र के लिए है? यस डेफिनेटली, हाँ यस, बॉडी टाइप पे डिपेंड, बॉडी टाइप पे डिपेंड, इफ यू हैव द राइट बॉडी टाइप आई आल्सो फील दैट यू कैन कैरी एनीथिंग, इट हैज 32 इज क्वाइट एज लिमिटेशन, एज लिमिटेशन नहीं होती, इट्स हाउ यू कैरी योर आउटफिट, कपड़े में हमेशा आपका कट, आपकी बॉडी टाइप और आपका कैरी करना, ये दो तीन चीजें काउंट करती हैं। आप देखें कुछ खवातीन बहुत हसीन कपड़े पहने हुए होती हैं मगर कैरी नहीं कर पाती, यहाँ से झुल रहा है, वहां से गिर रहा है, दे डोंट नो हाउ टू वॉक इन दैट आउटफिट, वो खूबसूरत लगने वाला आउटफिट बुरा लग रहा। अच्छा, but अगर ये वाले कपड़े बना लिए तो चलेंगे, बट फॉर हर टाइट है ये, नहीं, 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 नीचे से खुला होता है आराम से, यू कैन नी के बाद ही खुला होता है, और इनके लिए फॉर एग्जांपल ये हैं शॉर्ट हैं एंड पतली हैं, पिटीट एंड एवरीथिंग, इनके लिए मैं हैवी दुपट्टा कभी भी नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी कि पीछे दुपट्टे में नहीं तो खो जाएगी, नहीं तो हां टू मच ऑफ फैब्रिक कर लेते हैं, जैसे आपने बताया आपने दो दो दुपट्टे किए, तो फॉर एग्जांपल दो दुपट्टे में ये गुम हो जाएंगे उसके अंदर, अगर टॉल लड़की है बहुत प्यारी लड़की, दो दुपट्टे किए पहना तो एक ही ना, एक ही पहना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लड़की कुछ लोग दो दुपट्टे चाहिए देवदास स्टाइल, यहाँ पे भी एक दुपट्टा चाहिए ऊपर भी चाहिए, बट यस फॉर अ टॉल गर्ल जैसे आप टॉल हैं, एक उठान है बॉडी की, तो आई वुड रिकमेंड यस, बट अगर अगला कट दिखाएं, ये अब देखो ये पेपलम टाइप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अनारकली फ्रॉक या पेपलम? अनारकली काइंड ऑफ फ्रॉक एंड इट्स वेरी डिफरेंट, नीचे शरारा, ये तीन लेयर का, नीचे एक प्लाजो अलग है जो अभी नजर नहीं आ रहा बिकॉज ग्रास में छुपा हुआ है, दो पैंचे का पैंट्स हैं, तीन तीन प्लाजो होगी दोनों तरफ, ज्यादा घेर वाला नहीं, घरारा नहीं है, तुम ये किसको, टू लेयर का ये किसको तुम मना कर दो? अगेन पेयर शेप जो पाकिस्तान में ज्यादा, मतलब कि जिसके हिप्स ज्यादा है वो ये पहनकर और ज्यादा, क्योंकि मटेरियल भी मोटा है इसमें, या है ना, थोड़ा मोटा नहीं है बट डबल लेयर हम लोगों ने किया है, नीचे का नेट है और ऊपर का रॉ सिल्क है, सो इट्स नॉट लाइक रियली ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इतनी आराम आराम से तस्वीरें क्यों दिखा रही? हाँ भाई, इसके लिए तो कोई डबल पतली, जबरे हम तो जा रहे हैं, चलो भाई हमारा कोई काम नहीं है, हम तीनों जा रहे हैं भाई, अगेन फॉर अ इजी, नहीं भाई मैं भी नहीं पहन सकती, मैं इतनी दुबली नहीं हूँ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट सारे कट्स मैं सबको ही दे सकती हूँ, ये सारी लड़कियाँ अभी बैठी हुई है हमारे पास, लड़कियाँ सब जो बैठी हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये दोबारा जरा तस्वीर दिखाएं, मुझे एक बात बताओ, तुमसे ये बनवाया किसी पतली दुबली लड़की ने, उसकी शादी हुई, उसके इंचेस बढ़े
वो इस खूबसूरत जोड़े को कैसे यूटिलाइज करेंगे? एक तो नॉर्मली भी सबसे पहला ये चीज होता है माओ का स्पेशली कि अंदर से जगह छोड़ दीजिएगा, तो हम लोग वैसे ही जगह छोड़ देती हैं, ओवर लॉकिंग ज्यादातर नहीं करा लेती मैं, क्योंकि जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है ओवर लॉक हो जाएगा उसके बाद वो खेलना मुश्किल होता है, एक इंच से ज्यादा नहीं होता, फिर ये होता है। बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं या वो आती हैं कहती हैं हमें स्लीवलेस चाहिए, आई मेक श्योर कि मैं उनको स्लीव्स अलग से दे दूं, बिकॉज वो पैकेज में होती हैं, हम लोग डाल के दे देते हैं, हम कहते हैं बाद में लगा देना, तो वो भी लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। बेशक उस वक्त स्लीवलेस पहन लो अगर आपको पहनना है, पतले आके फिर आपके हाथ मोटे हो गए तो आप फिर नहीं पहन सकते, वो भी मैं कर लेती हूँ, और अंदर जगह बाई डिफॉल्ट वैसे ही हम लोग नहीं। अब देखो जैसे इंचेस बढ़े तो वो आपकी वो वाली बॉडी नहीं रही ना, जो ये एक शॉर्ट शर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो तुम ये कहोगी कि इसको आप रीवैम्प करने के लिए इसके साथ पैंट्स। ओके